एवरीबॉडी, आज हम खेल रहे हैं दोबारा से गैस स्टेशन सिमुलेटर। तो आज अपने को बहुत सारे काम निपटाने हैं। सबसे पहले 10 बोट के अंदर फ्यूल करना है, 10 कार के अंदर फ्यूल करना है, 10 कस्टमर्स को सर्व करना है। ये थोड़ा सा इजी टास्क है। स्कूबा रेंटल इक्विपमेंट, ये वाला बिजनेस के बारे में मेरे को खुद नहीं पता। और टॉयलेट बनाकर 2 कस्टमर को ज़बरदस्ती वहाँ टट्टी करवानी है, तब जाकर आज के हमारे सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। मेरे पास में फ्यूल कितना है मेरे को वो चेक करना है। 83 लीटर फ्यूल अभी हमारे पास में अवेलेबल है, तो क्या मैं 100 लीटर मंगा सकता हूँ? यस, 100 लीटर और मंगा लेते हैं, तो हमारे पास में 183 लीटर फिर फ्यूल हो जाएगा। सर बताइए आपको क्या चाहिए। आज के दिन का हमारा पहला कस्टमर हमने ऑलमोस्ट समझ लो सर्व कर लिया है। बाय बाय, वापस ज़रूर आना। $7.70 का यहाँ से प्रॉफिट हो गया। पहले बोट के अंदर तेल डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से कस्टमर खड़ा हुआ है। सर सॉरी, मैं अकेला काम करने वाला बंदा हूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वापस ज़रूर आना, मैं थोड़ा थोड़ा करके हमारे इस बीच वाले गैस स्टेशन को अपग्रेड कर दूंगा। ट्यून तो नहीं, तगड़ा बना देंगे। बाकी नोजल लो, फर्स्ट टाइम मैं ये वाला पंप यूज़ कर रहा हूँ आज। $31 मिल गए अपने को, और आज हमने एक बोट और एक कार का फ्यूल कर दिया, 2 कस्टमर भी सर्व कर दिए। स्कूबा रेंटल वाला इक्विपमेंट का ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ये जो लावे का तुम लोग बता रहे थे ना, लावा जो गुस्सा चुचू मंचू जो लावा है, इसको गुस्सा आता है, और इसका गुस्सा शांत करने के लिए अपने को पानी में मछलियाँ फेंकनी पड़ती हैं। यहाँ पर इतनी सारी मछली पड़ी हुई थी और सारी की सारी मछलियाँ मैंने उठाकर कचरे में फेंक दिया, जो कि नहीं फेंकना था अपने को। पुराना मछली उठाकर मेरे को इसके अंदर डालनी थी। पता नहीं यहाँ पर दोबारा से मछली कब आएगी, जब भी आएगी तो सही है, वरना अगर नहीं आई तो फिर वो लावा फूटेगा और गैस स्टेशन हमारा हो जाएगा बंद, ऐसे मैंने सुना हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। आई होप मछलियाँ आ जाए और हम उठा के फेंक दें। आसपास भी तो होगी यार, कुछ ना कुछ अपने को यहाँ पर मछली मिल जानी चाहिए, बट ना अभी तक तो है नहीं। आई गेस हमारा बोट वाला बंदा 185 मीटर पर है। ठीक है, तू आ जा, 2 मिनट इंतज़ार कर, मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि कस्टमर मतलब कैश वाली जगह पर 2 कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, या फिर एक ही है। हेलो दीदी, कैसी हो? टोटल 11 प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हो, वेरी नाइस। मेरे को रीस्टॉक भी करना है, ठीक है। पहले हमारे वेयर हाउस के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे। प्रॉफिट होना चालू हो गया भाई, ये चीज़ अच्छी हुई कि पैसे जो हमने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्ट किए थे वो पैसे हमारे आना स्टार्ट हो गए। $19, 11 मटेरियल खरीदा तो भी $19 का ही प्रॉफिट। ओ सॉरी 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 सॉरी, भूल गया था। क्या अगर मैं कूड़ा कचरा उठाकर समंदर में फेंकूँगा तो क्या हमारा चूचू मंचू का गुस्सा शांत होगा? हैं, ओह हुआ क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा। 24 पर कुछ तो चुचू मंचू का गुस्सा आया हुआ है अभी। एक सेकंड सर, आ रहा हूँ। थोड़ा सा अभी एम्प्लॉयज़ नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद में तो चीते की रफ्तार की सर्विसेज मिलेंगी तुम्हें। तुम्हें याद नहीं है मेरे रेगिस्तान वाला वो गैस स्टेशन है? तुम्हें याद होगा तो क्या ही कर लोगे, अभी तो समंदर किनारे खोला है हमने। इसको अगर फेंकूँगा तो कुछ नहीं हो रहा इससे, हैं? पानी में फेंकूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। चूचू मंचू का गुस्सा 24 से 25 पे आ गया भाई। अब फ्यूल लो है। एक सेकंड, ये वाले बंदे की बोट में तेल डालने से पहले ना मैं यहाँ का नोजल पहले तो ऑन कर लेता हूँ, ताकि ये हमारी टंकी फुल होती रहेगी, है ना। चलो, बाद में ये क्या बंदा खुद तेल डालेगा और चला जाएगा। कोई मछली आई? कोई प्लीज़, एक भी मछली अगर मिल जाती यार। मैंने खामा खा पूरी मछलियाँ उठाकर फेंक दिया, क्यों सफाई करनी चाहिए थी, हैं? सफाई क्या ज़रूरत ही नहीं था, खामोशी से जैसे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था वैसे ही रहने देता तो सही था। बाकी चूचू मंचू का गुस्सा अब तो भाई 26 पे आ गया, तुम देख रहे हो, हैं? 26 पर गुस्सा आ गया इसका। मैं अपने गैस स्टेशन को बंद नहीं करवाना चाहता, प्लीज़ कोई बचा लो मेरा। मेरे आँख भी उड़ा ले तू सारा का सारा तेल। दिमाग ख़राब भाई, एक तो तेल डाल, ऊपर से हमारी आँख भी उड़ा रहा है वो। चलो कोई ना, माफ़ कर दिया, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारे भाई का। सर एक सेकंड, लॉक पिक यार मेरे को आप ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि लॉक पिक से ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम होना ना बाहर स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा अभी हाथ तेज़ नहीं है मेरा लॉक पिक यूज़ करने में, बट 2-4 कार के अंदर। अरे यार, ये भी मेरे को साफ़ करना पड़ेगा, देख रहे हो, ये मशीन भी मेरी पूरी की पूरी गंदी हो गई, ये तो मैं भूल ही गया था। सर एक मिनट, ये होता कैसे साफ?
ये मेरे को आई गेस परचेस करना पड़ेगा ना। ये सारे के सारे टूल्स है हमारे, जिसमें से झाड़ू आ गई, कचरा आ गया, कलर रोलर नहीं आया। लॉक पिक $150 की परचेस कर लेते हुए ना। कैनन क्या है $500 का है? कैनन क्या है? चलो ठीक है, जो भी है। बहुत धीरे धीरे मेरी मशीन काम कर रही है, फटाफट से स्कैन करो। ये कस्टमर को पहले टाटा बाय बाय करते, उसके बाद में देखेंगे। वापस ज़रूर आना सर। 654 डॉलर्स पैसे हो गए भाई हमारे पास में। जितना भी लगाया था, मतलब $2000 थे हमारे पास में लास्ट एपिसोड में, जिसमें से हमने अपने गैस स्टेशन को अपग्रेड किया। फिर ये जो बाहर का ये नया तेल वाली जगह थी, ये नया पंप लगाया। यार मैं इतनी बातों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देता हूँ। फिर हमने अपने वेयर हाउस को रिपेयर किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें की है। मैं भूल गया हूँ यार, ये इसको साफ कैसा करते हैं? कुछ तो तरीका था ना, कोई तो स्पंज निकलता था और उससे हो जाता था। इधर भी कूड़ा कचरा कितना भर गया भाई यार। 28 हो गया। इतनी दूर का है फेंक रहा है। मन तो कर रहा है $150 का मैं वो कर लूँ, लॉक पिक खरीद लूँ। क्या करूँ, खरीदूँ नहीं खरीदूँ? देखो फ़ायदा तो हो जाएगा लॉक पिक में, बट ना इसके अंदर कितना सामान। अरे चिप्स वगैरह, सोडा वोडा सब है भाई अपने पास में। ऑलमोस्ट अच्छी खासी चीज़ है, बट स्टिल थोड़ा सा ना स्नैक्स के अंदर सस्ता क्या मिल रहा है, 25 ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ठीक है, ये भी मंगा लेते हैं, ये तीन चीज़ें मंगा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक में टोपी मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं। और क्या चीज़ें सस्ती, बाकी सब महंगा महंगा है। तो कर दिया भाई, ये भी ऑर्डर कर दिया। टूल्स में एक लॉक पिक खरीद ही लूँ क्या, कर दूँ क्या इन्वेस्टमेंट, या फिर पार्किंग के अंदर कोई चीज़ ऐसी जो मैं परचेस या अपग्रेड कर सकता हूँ। $1000 लग रहे हैं ये पूरा का पूरा ब्रिज रिपेयर करने के लिए। बट पता नहीं यहाँ पर पार्टी बोट पियर, ये मेरे को नहीं पता पार्टी बोट पियर क्या है। यहाँ पर क्या कोई पार्टी वार्टी वाली टाइप बोट्स आएगी? हेलो बाय बाय सर, आप प्रोडक्ट्स खरीदो, मैं जब तक ये बोट वाली की टंकी फुल करके आया हूँ। अभी पता नहीं मेरे पास में कितना तेल बचा हुआ है। ऑलमोस्ट देखो कार फ्यूल तो हमने नहीं यार, 10 तो नहीं हुई अभी। सिर्फ और सिर्फ मैंने कितनी कार फ्यूल किया हूँ, 3 बोट फ्यूल किए, 4 कार फ्यूल किए, 6 कस्टमर सर्व कर दिए। टॉयलेट बनाना पड़ेगा, टॉयलेट नहीं बना हुआ है। बाकी सफाई का मीटर हमारा अच्छा खासा यार 400 मीटर पे है ना, तो रहन दो, जब आ जाएगा तब सामान रख लेंगे अपन, है ना। एक सेकेंड सर। अरे ये ऐसा साफ होता है ना, भूल गया था ना मैं यार भाई, ऐसे साफ होता है ये। इसके लिए कुछ अलग से वो नहीं करना पड़ेगा अपने को। देखो ऐसे ऐसे करके साफ कर दूंगा। अब मशीन की स्पीड बढ़ गई हमारी। थैंक यू सर, वापस ज़रूर आना। वाई 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 आर यू जाइंग घर? अरे मैम कुछ ना कुछ खरीद लो, आ ही गई हो तो। बट चलो कोई ना, पुलिस वाले के यहाँ से कुछ लॉक पिक अगर होता तो इसकी डिक्की में से कुछ चुरा लेता मैं। बट अगर हमारी एक भी हाइस्ट फेल हुई ना, तो फिर पुलिस वाला भी चला जाएगा और फिर जो पेट्रोल से हमारी इनकम होने वाली थी वो भी इनकम नहीं होगी। डाल दो तुम्हारे बाप का ही कूड़ा कचरा है, डाल दो आराम से। ठीक है, मक्खियों की आवाज आ रही थी नहीं ना? हाँ आ गया अपना बंदा या फिर कस्टमर आया। ओह इधर भी बोट वाला खड़ा हुआ है ना। एक सेकेंड सर, ये लो पूरी टंकी तुम्हारी कर दिया फुल। आई नो आई एम अमेजिंग। शाम का वक्त भी हो गया, देखो जो प्रोडक्ट्स मंगाए थे वो फाइनली आ चुके हैं। यार लावे का गुस्सा तो 30 पर पहुंच गया, मैं गुस्से को वो कैसे करूंगा अब। पानी के अंदर तो देखो आ गया, मछली के पास अगर जाऊंगा तो क्या मैं कोई मछली पकड़ सकता हूँ? झाड़ू निकाल कर गो बैक। अरे आ गया हूँ भाई, झाड़ू से कुछ होगा मछलियों को? नहीं यार, हम इंसान है, हम है कौन? पानी के अंदर घूम रहा है बंदा एकदम बिल्कुल आराम से। बाय बाय। ये चुनचू मंचू से फट रही है मेरी, सच बता रहा हूँ मैं, चुनचू मंचू से मेरी फट रही है। मेरे पास एक मछली नहीं है यार, मेरे पास एक मछली नहीं है। कुछ तो नहीं है कूड़ा इधर, सब फेंक दिया मैंने उठाकर। मैं मछली कहाँ से लाऊंगा ढूंढ के? अब कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। कस्टमर है क्या इधर? हाँ चलो एक और कस्टमर आया बोट वाला, इसको तेल डाल कर चलते ना। गार्बेज से भी कुछ हो नहीं रहा यार, गार्बेज से भी कुछ अगर होता ना। और यार पेट्रोल मंगाना पड़ेगा 57 क्या 50 लीटर, ये अब तो बचा होगा। 57 लीटर था, 7 लीटर इसकी गाड़ी में डाल दिया। सर एक सेकंड आ रहा हूँ मैं, इसको निपटा देता हूँ ना जब तक। इसको निपटा कर सीधा फ्यूल का ऑर्डर कर देते। वापस ज़रूर आना सर। सर एक सेकंड, बेचारा बंदा कितनी देर से रुका हुआ है। मेरे को फ्यूल में काम करूँ, 100 लीटर मंगा लेते ना। हाँ चलो $596 है। एम्प्लॉय में किसी को हायर कर लूँ क्या? मन तो कर रहा है हायर करने का, बट फिर वो भी पैसा खाएगा,
मगर हमारी सर्विस जो है वो ऑटोमेशन पर हो जाएगी। थोड़ा सा पैसा जाएगा बट वर्थ इट रहेगा क्या? अभी डे टू पर ही पूरा वो कर लेना। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले इसको तो टाटा बाय बाय करते। प्रोडक्ट का पूरा स्टॉक हो गया। इधर जो बची कुछ चीज़ है, नारंजा प्लेस 10, ये भी प्लेस 10, प्लेस 10, प्लेस 10 नहीं होगा, जितना भी आया पूरा फुल हो गया। इधर भी प्लेस 10, प्लेस 10, प्लेस 10 या फिर ये 15 बच्चे, तो चल प्लेस ऑल कर दे दो। अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, पूरा भर दिया भाई मैंने। कचरा उठाकर पानी में फेंकूंगा तो कुछ होगा? अरे नहीं, अरे रे 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 रे, कचरा फेंकने से तो भाई 36 पहुंच गया इसका चुनचू मंचू का मीटर। उसको कचरा नहीं, उसको मछली ही चाहिए। अब मछली कहाँ से ला के दूबे तेरे को? ये तेरे स्टार पड़े, ये नहीं यार। बोतल फेंकते के साथ देख रहे हो 36 पे चला गया उसका गुस्सा। अरे ये फट जाएगा ना, मेरी फट के हाथ में आ जाएगी। मेरे को नहीं करना भाई, मेरा गैस स्टेशन बंद नहीं करना डे टू पर ही। मेरे को एक कोई मछली मिल जा यार, एक कोई मछली या कुछ तो मिल जा। इसको अगर पानी में फेंकूंगा, स्टार से तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं यार, या फिर ये स्टार को मेरे को यहाँ खड़े रहकर थ्रो करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है सीन है? अगर यहाँ से थ्रो करूँगा, 37 पर पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, इसका मेरे को पहले जुगाड़ करना पड़ेगा भाई कुछ। रुक जाओ, ये सीपी पड़ी यूए शेल, ये उठाकर उसके उसमें डाल के देखते हैं। हो सकता है शायद से इसका गुस्सा ठंडा हो जाए, बट इसमें डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा और ना जा रहा है। देखो जा भी नहीं रहा। फ्यूल डिलीवरी एट वेयर हाउस आया सर, एक मिनट। ये बाजू में $1 का नारियल भी है, इससे अगर वो करूँगा तो जाएगा? नहीं, मेरे को बस देखना 37 गुस्सा इसका, 37 गुस्सा कम हो जाए इसका, 38 होगा भाई। आई गेस अब चला जाएगा। यस 36, ओ समझ गया, गुस्सा कम हुआ एक दो और। प्लीज़ चला जा, नहीं 40 के अराउंड अपने को रखना है। एक दो और, अब जाएगा 34। अरे वेरी नाइस, जा रहा भाई, गुस्सा कम हो रहा है देखो उसका। एक दो और, जा 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 जा, नहीं इधर से खड़े खड़े थ्रो कर दो, शायद से चला जाएगा। यस 32 पे आ गया गुस्सा। अरे भाई ऐसी फेंक फेंक के इसका गुस्सा कम कर देता हूँ मैं। बैक टू बैक नहीं जा रहे ये, बैक टू बैक नहीं जा रहे। 50 पे फेंकना पड़ेगा, 55 पे फेंकना पड़ेगा, ठीक है। 60 पर चला गया, 50 पर फेंक देना नूबड़े, क्या कर रहा है। यस 31, थोड़ा सा कम कर लूँ इसको, थोड़ा सा ना बस इतना लास्ट। हाँ 29, चलो ठीक है। जैसे तैसे करके मैंने 27 तक तो इसका गुस्सा लेकर आ गया हूँ। अब क्या ही कर लेंगे, मछलियाँ मिल ही नहीं रही, जो भी मिल रहा है नारियल पानी वो डाल कर मैं उसका गुस्सा ठंडा कर रहा हूँ। एक तो वो टास्क भी इतना अजीब है कि मेरे को खड़े रहकर थ्रो ही करना पड़ रहा है भाई, बताओ। जाकर डालूंगा तो गुस्सा ठंडा होगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको। मेरे को एम लगाना पड़ेगा, मेरे को थ्रो करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, वापस ज़रूर आना सर। एक मिनट, फ्यूल वाला बंदा आ गया यहाँ पर। एक सेकेंड सर, आया मैं। ये कर दिया नोजल ऑन पूरा, तो पूरी कितनी मछली थी मेरे पास में, कितने चांस थे, आराम से मैं उसका गुस्सा शांत करा दे। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ वक्त के बाद ना शायद से मछलियाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो मेरे को फिर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हो जाएगा। चलो जो भी है, 100 लीटर पेट्रोल है मेरे पास, 47 लीटर। मेन इनकम तो मेरी पेट्रोल से ही हो रही भाई, मेन इनकम हमारी पेट्रोल ही है। कोई प्रोडक्ट खाली हुए, फुल, हर एक चीज़ का स्टॉक हमारे पास में एकदम बिल्कुल ही फुल होता है। 5 प्रोडक्ट तुम्हारे मैम, $641 ऑलमोस्ट। देखो अरे कस्टमर 10 सर्व करने के, तो वो वाला टास्क तो हो गया हमारा कंप्लीट, सिर्फ कार 2 बची है। थैंक यू मैम, 2 कार को मेरे को वो करना है बस। चलो इसमें से भी ये हो गया, अब तो बस एक ही कार को मेरे को सर्व करना है, ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इतना याद रखना है, कूड़ा कचरा मेरे को फेंकना नहीं है बस। कूड़ा कचरा जहाँ मैंने पानी के अंदर फेंक दिया, मेरा काम हो गया। चूचू मंचू सीधा फट जाएगा और हमारी फाड़ देगा। चलो कूड़ा कचरा उठा ले, तेरा कितना फुल होगा भाई, कितना ज़्यादा फुल हो गया। इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो गेम हमें मैसेज दे रहा है कि समंदर को तुम गंदा ना करो, ठीक है, इन रियल लाइफ भी और गेम में भी,
क्योंकि नेचर को गुस्सा आ गया तो फिर नेचर आ जाएगा अपनी वाली पे, और नेचर अपनी वाली पे आ गया तो फिर तुम्हें पता ही है फिर क्या होता है। चलो अब जो पैसा है $740, इसमें से थोड़ा सा अपग्रेड वगैरह वो कर लेते हैं ना। गैस स्टेशन को थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा बना ले लैंडमार्क्स के अंदर। ये क्या चीज़ है? रिचुअल अल्टर, $1500 का, नॉट वर्थ इट। मारे $500 का, नॉट वर्थ इट अभी फ़िलहाल में। ये तो भाई ये तो सिर्फ शोशा लगे हुए, शोशा नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को एक्चुअल जो काम की चीज़ है ना, मेरे को वो चाहिए यार, ये शोशा मत बताओ तुम। ये टॉयलेट कितने का आ रहा है अभी? $100 का। चलो भाई टॉयलेट बना लिया, नया टॉयलेट हमने बना लिया, जहाँ पर लोग आकर थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो ये भी टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा वोल्केनो भाऊ खुश हो गया, दो छल्ले बना दिया खुशी के मौके पर इसने। चुनचू मंची इज हैप्पी। अब कितना हुआ? 21 पे आ गया मीटर। अरे मैं जैसे अपग्रेड करते रहूँगा तो ये भी खुश होता रहेगा। चलो एक चीज़ तो अच्छी हुई। उसके अलावा और क्या है? वेयर हाउस $250 में अपग्रेड होगा। और स्कूबा डाइविंग का भी टास्क था ना, ए लो भाई स्कूबा डाइविंग भी हमने ओपन कर दिया। बाजू की जो अपना खंडर पड़ा हुआ था क्या, वो भी बना दिया। चुचू मंचू दोबारा से हैप्पी होगा। टोटल चुचू मंचू ने 4 छल्ले बना दिए हैं। वेरी नाइस, मेहनत हमारी रंग लाई। जो पैसा कमाया था वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। व्हाट इज़ दिस स्कूबा एंड सर्फिंग? ये मेरे को नहीं पता, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आकर पता करता हूँ सर, अभी मेरे को आइडिया नहीं है उसका। ठीक है, बाय बाय सर, वापस ज़रूर आना। एक मिनट, तुम्हारी टंकी कितना? 72 लीटर है, 100 लीटर और मंगाना पड़ेगा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये देखो ये बाजू में, रुक जाओ मैं पहले बोट फ्यूल करके आता हूँ। अब तो हमारा चुचू मंचू 12 पे आ गया है, सीधा 12 के ऊपर। भाई टेंशन ही नहीं, धीरे धीरे हर वक्त के साथ में ना हम अपग्रेड करते रह गए। स्टिल हमारे पास में $461 बचे हुए हैं। 54 लीटर है तो क्या करूँ, 200 तो मैं मंगा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी तेल है। 150 में मंगाने का यहाँ कुछ ऑप्शन है नहीं। और मैं पेट्रोल डालने के लिए आके कार से भी मंगा सकता हूँ क्या? चलो ठीक है, $100 का तेल अभी फ़िलहाल तो ऑर्डर करते, क्योंकि मेरे को बाद में ना फिर उधर इतनी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। वो एक तेल निकालने के लिए मेरे को बार बार उधर जाना पड़ रहा है और नोजल ऑन करना पड़ रहा है, बार बार जाना थोड़ा सा ना आलस आता है। बाकी कोई नहीं, चलो यू टू मैम यू टू। मेरे को बाजू जाकर चेक करना है कि स्कूबा डाइविंग वाली जगह पर एक्चुअल में है क्या। बाकी देखो बोट दो ही फ्यूल करना है मेरे को, वो भी मैं निकलो ना बाहर। कितना टाइम लगेगा, कितना कितना लीटर चाहिए तुमको? 54 लीटर भाई साहब। बाय 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 कस्टमर एट फ्यूल। मैंने कार वाले बंदे को फ्यूल लेकर ऑर्डर किया हूँ, बट तो भी बोट ही आ रही है, या फिर शायद से ऐसा कुछ होगा शो का, पता नहीं। देखो मैंने कहा था ना लास्ट एपिसोड में, यहाँ पर कचड़े का ये कूड़ा दान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। अरे 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 एक सेकंड, इधर आ तो गए हो तुम, बट है जी ये बिजनेस कुछ एक सेकंड, ये खड़े तो हो तुम, पप्पी लेगा क्या मेरी? मुझे करना क्या होगा है? कुछ इधर दिखाई तो दे ही नहीं रहा। पानी के अंदर कुछ है नहीं यार। ओ इधर कुछ दिखा रहा है, करंट थ्रेशोल्ड 50। व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड 50? किस चीज़ का ये परसेंटेज बढ़ रहा है? ये सेट कर दिया इक्विप, अगर व्हाट इज दिस इक्विप। इधर सारे टूल्स वगैरह ये हर एक चीज़ लगी हुई है, बट आगे कैसे बढ़ना है? इधर बाजू में देखो ये बॉक्स शेल्फ कुछ तो बता रहा है। ये क्या मेरे को प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ेंगे? ऐड ऑल अगर करूँगा तो नहीं, एक कुछ होगा ऐड टू बॉक्स नहीं यार, शायद से ना इसके इक्विपमेंट मेरे को परचेस करने पड़ेंगे। रुक जाओ मैं मेन पीसी पर जाकर चेक करता हूँ। ये टॉयलेट है ना अपना, टॉयलेट के अंदर भाई 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 टॉयलेट के अंदर तो पूरी की पूरी वाट लगी हुई एकदम गंदी वाली। अभी बना तो लिया हमने टॉयलेट, एक ही कस्टमर जाके टट्टी किया है बस वहाँ पर, अभी बाकी के कस्टमर जाएंगे टट्टी करेंगे तो ज़रा मज़ा आएगा। तीन तीन कस्टमर वहाँ खड़े हैं यार अपने स्कूबा वाली जगह पर। एक सेकंड सर, तुमको फेंक दूँ पहले, तुम्हारे प्रोडक्ट दे दूँ मैं तो तुम्हारा टास्क हो जाएगा कंप्लीट। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड सर आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकना, इधर खाली बस मेरे को टंकी फुल करने दो। चुनचू मंचू दोबारा से 16 पर आ गया है। एल ये कर दिया नोजल ऑन, कर दे भाई पूरी की पूरी टंकी फुल कर दे।
पता नहीं कितनी देर से खड़ा हुआ ये, हर जगह कस्टमर ही कस्टमर है। अब ना कई एक जगह संभालने के लिए मैं वो कर लेता हूँ भाई, एक एम्प्लॉय भी हायर कर लेते, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी निपटा दिया, टंकी भी फुल कर दी पेट्रोल की। अब स्कूबा डाइविंग के लिए जो सामान लगेगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो, ये स्कूबा डाइविंग वाली चीज़ है ना भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंगा रहा हूँ, $100 या फिर जितना भी पैसा खर्चा हो रहा है। ऑन द वे। अरे शिट, बहुत ज़्यादा खान हो गई है। बच्चे लोग 2 मिनट रुकना, आ रहा है, जरा माल ऑर्डर किया है, तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, और कुछ नहीं कर सकते अभी, इंतज़ार के सिवा तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। $300 है मेरे पास में पड़ा हुआ। कस्टमर को सर्व करने के बाद में भी चुनचू मनचू अपना खुश नहीं हो रहा यार, इतनी अच्छी सर्विस दे रहा हूँ मैं वो लोग को, बट ना। और भाई कितने सारे अचीवमेंट अनलॉक हो रहे स्क्रीन पर देख रहे हो, हैं और कुछ है है ना। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप का ये, फेंको फेंको जा, तुम्हें कूड़ा कचरा फेंकना है फेंको, टेंशन मत लो तुम, मैं हूँ ना इधर साफ करने। पुलिस वाले, तू अगर पुलिस वाला नहीं होता ना तेरी धुलाई कर देता भाई, कचरा फेंकने के लिए आया बताओ वो, अभी तक आया क्यों नहीं, 500 मीटर दूर है ये, जल्दी जल्दी आओ, वक्त नहीं है मेरे पास। 2 मेल भी पड़े हुए, कौन से है ये, शार्क वाला, डेंजरस शार्क हैव बीन प्रोलिंग द एरिया फॉर ईयर्स, द मोमेंट द शार्क इज स्पॉटेड बाय द कोस्ट गार्ड सायरन विल साउंड ऑन द आइलैंड, इफ यू डू नॉट इंटरवेन द शार्क विल अटैक फ्यू पीपल इन द वाटर। अच्छा, विच कैन मेक द चुनचू मंचू वेरी एंग्री। अरे भाई कस्टमर पे आफत नहीं आनी चाहिए वरना हमारे लग जाएंगे। द ओनली वे टू स्केयर इट अवे अर्ली इज टू यूज द कैनन, द शार्क मस्ट बी हिट इन द फिन। ओ कैनन मेरे को परचेस करना पड़ेगा, $500 का आ रहा है वो। अबव द वाटर सरफेस और इन इट्स अपर पार्ट क्लोजेस्ट टू द सरफेस, शार्क हेल्थ बार इज विजिबल एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, रिड्यूसिंग हिज हेल्थ बार टू जीरो विच विल कॉज हिम टू। अच्छा हुआ मेल पढ़ लिया मैंने, मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ, मैं अवॉइड ही करता हूँ। ऑर्डर स्कूबा सर्विंग इक्विपमेंट यूजिंग द PC आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर। अच्छा, रिटर्न द इक्विपमेंट स्टैंड, ओके, एट द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स टू द स्टैंड इन कोर्स ऑफ यूज बाय कस्टमर विल वेयर इट कम्प्लीटली। अच्छा समझ गया, कस्टमर को जो भी सामान दे रहे हैं वो बाद में अपने को, मतलब वो स्कूबा डाइविंग करके आने के बाद में वापस से अपने को अपना सामान दे देंगे और चले जाएंगे। चलो ठीक है, $83 पड़ा हुआ है, आ गया क्या, एक सेकेंड आ रहा हूँ। ये बेचारा बहुत देर से खड़ा है, इसकी बोट फ्यूल कर देता हूँ यार। कैनन के लिए $500 का जुगाड़ करना पड़ेगा फिर, अब $500 तो है नहीं, $391 पड़े हुए मेरे पास में। चलो ठीक है, $56 यहाँ से, $448 हो गए यार। अरे टेंशन नहीं, हो गया, चलो जुगाड़। एक सेकेंड सर, इधर की मछली का है, क्यों उठाकर फेंक दिया मैंने सारी मछली, क्या ज़रूरत थी इधर का एरिया क्लीन करने की। बट तुम लोग कभी कभी एड़ा भी बनाते हो कि मछली पेगो, कुछ होगा नहीं, पता चले चुनचू मंचू में उसको गुस्सा दिला दूँ वो फट जाए और हो जाए फिर हमारा काम पूरा कंप्लीट। इसके 2 प्रोडक्ट देके उसको भगा देंगे ना, बाय बाय, वापस ज़रूर आना। सर तुम अभी रुको यहाँ पर स्कूबा डाइविंग वाली जगह पर, बहुत सारे कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वॉशरूम तो अभी मेरा क्लियर है और उसका भी टास्क हो गया। इधर ऐड करना है क्या मेरे को सारे डिब्बे, हाँ देखो, एड टू बॉक्स शेल्फ, इन वेयर हाउस एक और 4 इधर स्टोर कर दिया। गया क्या कस्टमर पहला वाला, ये अंकल तू जा रहे हो क्या, या फिर ये थ्रेशोल्ड क्या है, करंट थ्रेशोल्ड नहीं समझ में आया मेरे। ये अभी एक बंदा यूज़ कर रहा है हमारा जो भी सामान है वो, और इसका थ्रेशोल्ड हम बढ़ा भी सकते हैं। थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है इसका, वो है ये, मतलब कितनी देर वो चीज़ चलेगी, उसकी बिल्ड क्वालिटी बोलो या फिर जो भी वो है एक्चुअल में, या फिर क्या है। इधर तक अपने को जाना, स्कूबा डाइविंग कर का रहा है, दिख तो नहीं रहा एक भी मेरे को, हैं मेरे को पानी में जाना पड़ेगा। कोई है शार के नाम पर, कोई है मछली यहाँ पर ना, इधर मैं बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता, एक बंदा हायर करना पड़ेगा। अच्छा ये जो ग्रीन डंडी दिख रही है ना जहाँ सामने, वहीं तक सिर्फ ये लोग जा सकते हैं ऐसा मेरे को लग रहा है, बाकी अभी 2 कस्टमर तो चले गए। 81 कैपेसिटी यार, स्कूबा डाइविंग करते हुए कोई अगर दिखता तो ज़्यादा बढ़िया बात होती ना। शार्क वैसे मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दी,
ये कर रहा है क्या स्कूबा डाइविंग इधर कोई? बट स्कूबा डाइविंग पानी के अंदर होती है ना नूबड़े, सर्फिंग होती है उसके सतह पे, पानी की सतह पे, ठीक है? पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग होती है, जो कि करने में मेरे को जिंदगी में कभी 1% का इंटरेस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि पानी से तुम्हारे भाई की फटती है बहुत ज़्यादा। मतलब स्विमिंग पूल से, तालाब से, इन सब का टेंशन नहीं है, बाकी स्विमिंग पूल में तो मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, कुआ, छोटा सा लेक बोलो, या ऐसे जो खतरनाक जगह है ना, समंदर, जहाँ तक विजिबल है पानी वहाँ तक मैं खुशी खुशी स्विमिंग कर लूँगा, जहाँ विजिबिलिटी ख़त्म वहाँ तुम्हारा भाई टाटा बाय बाय, बाय बाय सर, वापस ज़रूर आना, सॉरी आपको इतना देर यहाँ पर खड़े रहकर इंतज़ार करना पड़ा, खड़े रहकर इसलिए इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मेरे पास में चेयर नहीं है, ऑफकोर्स, बाय बाय। चल एले प्ले सॉल फुल भर गया ये भी, इधर एले प्ले सॉल, चिप्स के अंदर बहुत सारा माल स्टॉक हो जाता है। चुचुमंचू 23% पे आ गया है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये शार्क मेरे को एक बार भी नहीं दिखे भाई, एक बार भी शार्क नहीं दिखे। तो 41 लीटर पेट्रोल बचा है, तो चलो पेट्रोल ऑर्डर कर देता हूँ मैं, आगे चल के जब ज़्यादा पैसे आ जाएगा ना एक टैबलेट परचेस कर लूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, रुको मैं पहले अपने लिए एक $500 का कैनन ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है? और जो मेरे पास में $189 बचे हुए हैं, इसका मैं एक काम करता हूँ, 100 लीटर तेल मंगा लेता हूँ, जिससे तेल का तेल नॉट इनफ मनी, $189 है तू भूल रहा है मेरे पास में, ठीक है? $189, मेरे को सिर्फ 100 लीटर पेट्रोल चाहिए, इतना तो आ ही जाएगा ना। हाँ फिर पता नहीं कुछ ग्लिच हो गया था आई गेस, ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट हो गए हमारे, सिर्फ स्कूबा डाइविंग का टास्क बचा है, वो भी 10 में से 6 हो भी गए भाई, सिर्फ 4 बचे हैं, वो भी कुछ देर ऐसे ही चलता रहेगा शायद से। रात को स्कूबा डाइविंग होती है नहीं होती पता नहीं, होती होगी, अजीब व गरीब लोग रहते हैं, फटती नहीं है लोगों की, होता होगा रात को भी, कूड़ा पड़ा हुआ है ना इधर, मजा आई ना सर? मुझे पता था। अच्छा कस्टमर समझ में आनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर लाइटें लग गई। मेरे को अभी तक, मैं पानी के अंदर कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरे को चेक करने दो। ओके, मेरी लिमिट जो है वो यहाँ तक है, मैं बस इधर तक आ सकता हूँ, और पीछे जा नहीं, मेरी लिमिट है पानी के अंदर बट उतनी ज़्यादा डीप और गहरी जगह तक नहीं है, बट चलो कोई सीन नहीं है, मज़ा आई ना मैम, थैंक यू, वापस ज़रूर आना। इसमें और एड ऑल, चलो जो भी था मेरे पास में स्कूबा डाइविंग के इक्विपमेंट पूरे इधर मैंने भर के रख दिया हूँ, स्टिल 92% रिन्यू, एलो रिन्यू कर दिया, हुआ क्या उससे मेरे को नहीं पता, रिन्यू कर दिया बस मैंने। 2 कस्टमर और सर्फ करने हैं, बस सिर्फ 2। ए इधर भी तो गंदा हुआ होगा ना कुछ क्या नहीं हुआ, उजाला भी, दिन भी हो गया क्या इतनी जल्दी, वेरी नाइस यार, रात और सुबह पता नहीं स्पीड से हो जाती। शार्क नहीं मिली मेरे को अभी तक, शार्क अगर मिलती तो कुछ हो जाता बढ़िया, शार्क नहीं मिली है, या फिर हो सकता है वो सायरन वगैरह वो बचेगा और फिर कुछ काम हो जाएगा। जब भी शार्क आएगी ना उसके फिन पे या फिर टेल पे, ये 2 जगह मेरे को अटैक करना है क्योंकि वहीं उसको सबसे ज़्यादा डैमेज पड़। और कितने सारे मेरे पास, अनलिमिटेड है क्या ये, हैं अनलिमिटेड है क्या भाई? सॉरी, अगर मैं चुनचू मंचू को ही मारूँ तो तेरी ऐसी की तैसी साल। और अब कितनी ज़्यादा दूर मार रहा हूँ, हैं अब वो छेड़ने आएगा ना वो बच्चा जो ड्राइंग बना कर जाता था दीवारों पे, वो आएगा ना उसको बता दूँ नए चैलेंजेस, तुम देख रहे हो कितने, 20 गाड़ियों को फ्यूल करना है, 20 कार को फ्यूल करना है, कस्टमर सर्व करना है, 20 स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट, 15 सर्फिंग इक्विपमेंट रेंटल, सर्फिंग भी आ गई क्या अब, टॉयलेट यूज़ 4 वो तो खुद ही हो जाएगा, शावर यूज़ बाय कस्टमर ये अपग्रेड करना पड़ेगा, कार रिपेयर, भाई बहुत सारा पैसा लगेगा इसमें अपने को। अभी तो मेरे पास में सिर्फ भाई रोते धोते $227 पड़े हैं थोड़े बहुत में। पेट्रोल ख़त्म हो गया, ओ शिट भूल गया था मैं, यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है पेट्रोल लेकर खड़ा हुआ है, सारा तेल चला गया मेरा, बैक टू बैक तेल ऑर्डर करना पड़ेगा भाई, बैक टू बैक। हेलो फाइनली टंकी फुल, कुछ प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत वेयरहाउस में पड़े, कुछ और नए प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ेंगे, पूरे चिप्स और चॉकलेट ही नहीं भर देने अपने को, स्कूबा डाइविंग की भी जिम्मेदारी आ गई है अब अपने पे, वो भी अपने को ना संभाल कर चलना है। ये लो मैं प्रोडक्ट में ना 100 रुपये का और फ्यूल ना ऑर्डर कर रहा हूँ भाई,
अच्छा पहले मेरे को इसको जाने देना पड़ेगा फिर होगा। चलो ठीक है कोई ना, अब इतना खर्चा कर दिया है ना, जब मैंने इतना खर्चा कर दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। ठीक है, ए ले लॉक पिक ले लिया भाई सीधा, अब चुराएंगे हम सामान। ये क्या है, सच अ ग्रेट जॉब, योर कस्टमर्स वेयर सेफ फॉर 0 days, डेथ काउंट 0। मतलब वो शार्क ऑर्गेजर से जो भी मरेगा तो यहाँ उनकी मौत लिख के आ जाएगी क्या? ये थोड़ा अजीब चीज़ है, इंटरमीडिएट लॉक है। ओ हो गया, ओ शिट, ओ लास्ट ट्राई, लास्ट सॉरी 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 सॉरी। ओपन, $17 मिल गए। आई एम सॉरी, गलती से हुआ, पहली बार चुरा रहा हूँ ना, मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद चुरा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती है, चलती है ना भाई, छोटी मोटी चोरी से कुछ होता तो है नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमको चुराना कुछ मेरे पास से, कूड़ा चुरा कर लेकर चला जाओ। खैर मजाक से हटके, एक्चुअल ग्राइंडिंग तो हमारी अब शुरू हुई है, बट पहले मेरे को पैसे का जुगाड़ करने का पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा, तब जाकर फटाफट से हम अपग्रेड वगैरह और वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, वरना तो भाई चुचू मनचू फट जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। चलो कोई ना, थोड़ा और ग्राइंड करते हैं और थोड़े से पैसे जोड़ते हैं। बाकी सर्फिंग तो हमारी ऑटोमेटिक चल रही है, वहाँ पर बस जब भी सायरन बजेगा तो शार्क अपने को ध्यान रखना है, बाकी कस्टमर्स हमारे ना काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और अपने को ना पैसा हर कुछ देर के अंदर आता रह रहा है ऑटोमेटिक। बट यहाँ के लिए एम्प्लॉय हायर करना ज़रूरी है, भले से यहाँ पर पेट्रोल डालने के लिए मैं एम्प्लॉय हायर ना करूँ, बट स्कूबा डाइविंग के लिए और वो शार्क को भगाने के लिए एक एम्प्लॉय होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर आज के एपिसोड को हम बस यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, यस, बाकी सारे सोशल्स का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक ज़रूर करना। पर्सनल ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्ट है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।